नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जहां पर पहला सवाल आप लोगों का आ रहा है कि क्या भारत में ट्रैवल करने के लिए कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है तो फ्रेंड्स यहां पर हम आपको अपडेट करना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आपको भारत आने के लिए कोरोना का रिपोर्ट लेकर या फिर कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा हाँ यदि आप कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं तो आप क्वारंटाइन से जरूर बच सकते हैं लेकिन आप बिना कोरोना के रिपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आप बिना कोरोना के रिपोर्ट के भारत आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका क्वारंटाइन किया जा सकता है लेकिन आप क्वारंटाइन से भी बच सकते हैं यदि आप एयरपोर्ट पर ही अपना कोरोना का जांच करा लें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि देश के कई बड़े एयरपोर्टों पर कोरोना जांच की फ़ैसिलिटी चालू हो चुकी है चाहे वो दिल्ली हो मुंबई हो या फिर कोलकाता इन सभी बड़े एयरपोर्टों पर कोरोना जाँच की फैसिलिटी चालू हो गई है जहाँ पर आप दो से लेकर पाँच हज़ार के बीच में अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं और यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आप सीधे अपने घर जा सकते हैं यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा जी हाँ दोस्तों ये एक ज़रूरी जानकारी थी जो आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि यदि वो लोग दूसरे देशों से भारत आ रहे हैं तो क्या उनको कोरोना का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य है या फिर नहीं तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा तो अब आप बिना कोरोना के भी भारत आ सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपके पास कोरोना का रिपोर्ट है और दूसरे देशों में आपने कोरोना का जांच करा लिया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से एडवांस में ही क्वारंटाइन का अप्रूवल ले सकते हैं साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट की एयर सुविधा नाम की एक पोर्टल है जहाँ पर एयर सुविधा में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर आप अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट और साथ ही कुछ एडिशनल डिक्लेरेशन सबमिट करके आप वहाँ पर क्वारंटाइन से अप्रूवल ले सकते हैं जैसे कि आप दिल्ली एयरपोर्ट या फिर देश के कोई भी एयरपोर्ट पर यदि लैंड करेंगे तो आपसे कोई भी एडिशनल डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करवाएंगे साथ ही साथ आपका जो पेपर वर्क है या फिर आपकी जो टाइमिंग लगने वाली है एयरपोर्ट के ऊपर वो भी जल्दी से जल्दी आप निपटा के अपने घर जा सकेंगे और आपको दोबारा कोरोना का जांच भी नहीं कराना पड़ेगा तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपके इस सवाल का जवाब हमने पूरी तरीके से दे दिया है इसके अलावा फ्रेंड्स एयर सुविधा सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक शेयर कर देंगे वहाँ पर क्लिक करके आप एयर सुविधा सर्विस जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जारी की गई है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं कि आप अप्रूवल कैसे ले सकते हैं और लिंक क्या है उसका उसकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि आप ने पहली बार देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें